सुजानपुर टीरा में बीते गत सप्ताह से नशा मुक्त होगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया के नारों के साथ सुजानपुर विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नारा गूंजता नजर आया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा चलाए गए इस अभियान के तहत नशे से मुक्ति और टीवी मुक्त हिमाचल का नारे के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हेल्थ टीम गाँवों का दौरा कर रही है। आपको बता दें कि बीएमओ डॉक्टर रमेश कुमार डोगरा की अध्यक्षता में नशे को खत्म करने और टीवी रोगों की जानकारी लोगों तक मुहैया करवाने के लिए एक काम किया जा रहा है। सुजानपुर टीहरा में बीते गत सप्ताह से नशा मुक्त होगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया के नारों के साथ सुजानपुर विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नारा गूंजता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा चलाए गए अभियान नशे से मुक्ति और टीबी मुक्त हिमाचल के नारों से तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ टीम के साथ गांव का दौरा कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि बीएमओ डॉक्टर रमेश कुमार डोगरा की अध्यक्षता में नशे को खत्म करने और टीबी रोगों की जानकारी लोगों को मुहैया करवाने का कार्य उनके अध्यक्षता में किया जा रहा है, जिसमें जंगल बैरी के डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा द्वारा जीवन लता सुपरवाइजर स्वास्थ्य कार्यकर्ता विद्या देवी ने जहां बीते दिनों में गत सप्ताह से लोगों के घर जाकर टीवी के जांच के सैंपल लिए, जिसमें 150 लोगों के सैंपल लेकर मात्र 5 लोगों को ही टीवी की बीमारी पाई गई, जो कि बिल्कुल ही अच्छी खबर बताई जा रही है। जिसके लिए जंगल में डॉक्टर डोगरा ने बताया कि ये कार्य सरकार द्वारा ही चलाए गए कार्यक्रमों के तहत पूरा हो पाया है, जिसमें उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं उन्होंने 2 सप्ताह से अधिक खांसी होने पर बलगम की जांच करवाने का भी आह्वान किया। उन्होंने बताया कि टीवी का इलाज संभव है और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों के परामर्श के द्वारा इलाज करवाया जा सकता है। वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोरी के डॉक्टर देवेंद्र पटियाल द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मुख्य बाजार में नशे से बचने के लिए कैंप भी लगाया गया और लोगों को टीबी मुक्त हिमाचल रहने के लिए भी घर द्वार जाकर संदेश दिया। वही भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रंजीत ठाकुर द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा के साथ मिलकर 4th IRV जंगल बैरी में पुलिस जवानों को नशे से मुक्त रहने के लिए अग्रसर किया और टीबी के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। बीएमओ ने बताया कि टीबी मुक्त अभियान के तहत 30 नवंबर तक पखवाड़ा चला हुआ है, जिसमें विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क टीबी का टेस्ट मुक्त किया जा रहा है। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। सीएम साहब बोल रहे? अच्छा, डॉक्टर साहब कल तो ये सारे दो तो ट्रंपर बड़े पहले